सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है मेरे CB300F के बारे में। सो मैं आज बताने वाला हूँ इस बाइक के जो प्रोज और कॉन्स है, क्योंकि मैंने इस बाइक को चला चुका हूँ। मैं इसको 413 किलोमीटर आप लोग देख सकते हो, मैंने इसको चला लिया है 413 किलोमीटर। तो मैं अभी इस बाइक के बारे में अच्छा खासा जानता हूँ कि इसके क्या प्रोज है और क्या क्या कॉन्स है, और आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं, इसके लिए आप पूरे वीडियो को देखिए। तो अगर मैं बात करूँ पहले प्रोज की, तो बाइक में बहुत सारे प्रोज हैं यार। इस प्राइस में आपको ऐसा बाइक अभी तो इंडिया में कोई दूसरा नहीं है। डोमिनार 250 आता है इस प्राइस में, और R15 आता है जो कि इससे थोड़ा महंगा है, लेकिन वो फेयरिंग है, चलो उसकी बात नहीं करते। और ड्यूक आता है, ड्यूक 125 आता है मेरी। हाँ, तो उन बाइकों से इसका इंजन पहले तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है उनसे। और दूसरा बात यह है कि डोमिनार से ये बाइक थोड़ा हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का है। इसको मैनूवर करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बाइक बहुत ज़्यादा बेहतर है उस मामले में। और इसकी अगर कॉन्स की बात की जाए, और एक चीज़ है जो प्रोज में आता है, वो है कि इस बाइक का जो पावर है, इस प्राइस में आपको इतना पावर बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। लेकिन कॉन्स की अगर बात करें, तो पहले बात करेंगे इसके हेडलाइट की। हेडलाइट इसमें उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है गाइस, अगर आपको अंधेरे में दिखता है, LED है भले ही, लेकिन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और दूसरा चीज़ यह है कि इस बाइक का जो इंजन है, उसका जो गियर है ना, वो गियर थोड़ा सा अटकता है। मैंने ये बात बोला था सर्विस सेंटर में, बोला था मैंने ये बात, अटकता है मतलब वैसा नहीं है कि अटक जाता है गियर, या फिर पॉल शिफ्टिंग है, वैसा कुछ नहीं है। बस गियर जब शिफ्ट करते हो आप, तो एक कट सा आवाज़ आता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने बोला। और बात करें अगर बाइक के दूसरे कॉन्स के बारे में, तो इसका जो ये वाला जगह है ना गाइस, तो ये भले ही एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है, लेकिन इसका जो ये है, ये थोड़ा और पीछे होना चाहिए था, क्योंकि जब आप इस बाइक को बैक करते हो, तो ये थोड़ा हल्का पैर में लगता है, ये चीज़ थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। और बात करें अगर इसके दूसरे सबसे बड़े पॉइंट की, जो कि आज कुछ दिनों से मुझे फील हो रहा है, तो मैंने अपने बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग करवाया, और उसके बाद इसका जो इंजन है ना गाइस, भले ही उसका वाइब्रेशन चला गया, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसमें हल्का हल्का सा बर्निंग वाला स्मेल आता है इसमें से। अभी हो सकता है कि ये नया नया इंजन ऑयल चेंज हुआ है, इसीलिए हो रहा है। मैंने सर्विस सेंटर जो कोलकाता में दो है, दोनों जगह पे ही मैंने बोला, एक चिनार पार्क में है और दूसरा है हमारा साइंस सिटी के आसपास, मैंने दोनों जगह पे ही जाके विज़िट किया और उनको बोला ये चीज़। लेकिन उन लोगों ने बोला कि सर आप थोड़ा और देखिए, तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी इसमें कुछ वैसा हो भी सकता है, और अगर ये चीज़ कंसिस्टेंट रहे तो आप उसके बारे में देखना, हम लोगों को बोलना, हम लोग देखेंगे। और वैसे कॉन्स तो इसके अलावा कुछ है नहीं गाइस उतना। बाइक बहुत ही लाइट वेट है, पावरफुल है, एजाइल है, टायर्स काफ़ी अच्छे हैं इस बाइक के, क्योंकि इस प्राइस में आपको MRF के रेवजी वाले टायर मिलते हैं, बाकी सब जैपर देते हैं। डोमिनार वगैरह में तो बहुत पतला टायर रहता है, इसमें पीछे आपको मिलता है पीछे आपको 160 R16 का टायर मिलता है, और सामने आपको 110 mm का टायर मिलता है, मे भी हाँ होता है। इसमें आपको पावर मिल जाता है 24.5 PS का, और टॉर्क मिलता है 25.5 Nm का। काफ़ी अच्छा पावर है इस प्राइस में। 204,000 में मैंने लिया था बाइक को, क्योंकि उस टाइम पे ये डिस्काउंट में था, तो काफ़ी अच्छी बाइक है। आपको कभी कभी हल्का फुल्का हीटिंग महसूस हो सकता है, लेकिन उतना भी हीट नहीं होता कि जो KTM वाला पैर में लगता है, वो वाला हीट नहीं है अभी तक तो नहीं है। पर बाकी बाइक काफ़ी अच्छा है, सर्विस सेंटर वगैरह का एक्सपीरियंस कुछ खास तो नहीं है, लेकिन अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है। तो अगर आपका कोई दोस्त या कोई बाइक ख़रीदना चाहता है जिसका प्राइस 2 लाख के आसपास है, तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और क्या, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर आपको बाइक के बारे में और ज़्यादा जानना है इस बाइक के बारे में, तो मैं इस बाइक के बारे में और ज़्यादा रिव्यूज़ लाता रहूँगा अभी आगे। और एक चीज़ जो हाँ वो मैं बोलना भूल गया, इसको धोने के बाद यहाँ अगर आप देख सकते हो, तो हल्का हल्का जंग दिख रहा है, मुझे पता नहीं कि ये क्या होगा, इसे आगे जाके जंग सा हल्का लग रहा है वैसे। चलो वो ठीक है, वो तो क्योर हो ही जाएगा, बाकी सब सही है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। तो
कुछ सिनेमैटिक्स बनाया है मैंने, वो ऐड कर दूंगा, देख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।